सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए मध्यस्थता समिति से 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और यही हमारा आज का केस ऑफ द डे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कर्नाटक में चल रही सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी बागी विधायक आज शाम 6 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं। इस मामले पर सुनवाई कल यानी शुक्रवार को भी जारी रहेगी। बेंगलुरु से मुंबई के इस होटल में डेरा जमाए कांग्रेस के बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत ही बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। उधर बेंगलुरु में राज विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार सुबह कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि विधायक शाम 6 बजे स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। The court has accepted the request of the 10 MLAs who have resigned. The order will be placed before the court tomorrow. The DGP Karnataka has been directed to provide proper police protection to all these 10 MLAs. This order is applicable only to 10 MLAs because the 10 MLAs moved the Supreme Court. It is open to similar other MLAs to also move the Supreme Court maybe today or tomorrow. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को गुरुवार को ही इस पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे पर स्पीकर जो आदेश करेंगे शुक्रवार को इस आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और समय की मांग के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। स्पीकर की ओर से दलील रखी गई कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक या बिना डर के हैं या नहीं, ये जांच जरूरी है और इस तरह की जांच को गुरुवार आधी रात तक पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार किया और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने सुबह आदेश जारी कर दिया है। I am only pointing out what has been stated in the application and the honorable court will decide, which is that the speaker should be allowed to follow the constitutional process which is obliged upon him by several articles of the constitution which require him by amendment of the constitution to follow an adjudicatory procedure to decide the voluntariness and the genuineness of the resignations. कांग्रेस के 10 बागी विधायकों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष रमेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वो विधायकों से नहीं मिल रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार को उनके इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए। इन विधायकों ने कई दिन पहले इस्तीफा दे दिया था लेकिन विधानसभा अध्यक्ष इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि वो जल्दबाजी नहीं करेंगे और रूल बुक, संविधान और अपने विवेक के आधार पर फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की मांग की गई थी। माल्या ने अपनी याचिका में संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की रोकने को कहा था। इससे पहले लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है। विजय माल्या ने लंदन हाईकोर्ट की ओर से उनको अपने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने के फैसले के बाद मंगलवार को कहा कि उनकी बात सही ठहराई गई। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख माल्या ने लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वो हमेशा कहते रहे कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं। माल्या ने साथ ही भारतीय बैंकों को बकाया राशि चुकाने की अपनी पेशकश को दोहराया। विजय माल्या भारतीय बैंकों के साथ 9000 करोड़ रुपए के बकाए में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में वांछित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को बृहस्पतिवार को उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें चांदनी चौक लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। जस्टिस नवीन चावला ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका जवाब मांगा। याचिका में संसद के निचले सदन में उनके निर्वाचन को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली के एक शख्स ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे में हर्षवर्धन ने अपनी पत्नी की आय के स्रोत का जिक्र नहीं किया जबकि चुनाव आयोग के नियम और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रत्याशियों को अपनी पत्नी और आश्रितों के आय का स्रोत बताना होता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता
ने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदे गए एक आवासीय अपार्टमेंट की असल कीमत का खुलासा ना कर भ्रष्टाचार किया है। हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। अप्रैल मई में हुए आम चुनाव में हर्षवर्धन ने कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल और आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को हराकर चांदनी चौक सीट पर जीत हासिल की थी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस को तो अभी देखा नहीं है, सिर्फ टेलीविजन की खबर को देखा है। उनके वर्जन को तो मैं पढ़कर नोटिस में और उनको अपना वर्जन में जरूर दूंगा, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मुझे अपने जीवन के लिए पूरी 100% पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ 25 वर्ष से ऊपर के सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि वो किस वर्ग को किराए में छूट दे। अदालत ने बिना किसी ठोस मुद्दे के याचिका दायर करने पर याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और 4 सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने किराए को कम करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि किराया तय करना भी वैधानिक प्रावधान है और ये लागत समेत कई कारकों पर निर्भर करता है। इसका निर्धारण जनहित याचिका दाखिल कर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत किराया तय करने को लेकर केंद्र या दिल्ली सरकार और दिल्ली मेट्रो को कोई दिशा निर्देश जारी करने नहीं जा रही है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा था कि महिलाओं को मुफ्त में यात्रा कराने का मुद्दा अभी विचाराधीन है, साथ ही किराए में छूट को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। आईएनएक्स मीडिया घुसकांड में इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट के सामने पेश होकर इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयान दर्ज करवाए। इंद्राणी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले से जुड़े सभी तथ्य और सबूत जांच एजेंसी के सामने रख चुकी हैं। इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनी हैं। कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि उनका नाम इंद्राणी प्रतिम मुखर्जी के बजाय इंद्राणी मुखर्जी है। इंद्राणी मुखर्जी ने खुद आईएनएक्स मीडिया केस में सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट में एक याचिका डाली थी। इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक हैं। विशेष अदालत ने पिछले हफ्ते इंद्राणी मुखर्जी को गवाह बनने की इजाजत दे दी थी। मामले में अपनी मर्जी से सरकारी गवाह बनने को राजी हुई मुखर्जी को माफी दे दी थी, वो भी इस मामले में आरोपी थी। इंद्राणी के कोर्ट में गवाह बनने की याचिका दाखिल की थी। सीबीआई ने पहले कोर्ट में कहा था कि उसके पास बातचीत के रूप में ऐसे सबूत हैं जिनके बारे में सिर्फ इंद्राणी को पता है, इसलिए इससे केस को मजबूती मिलेगी। पिछले साल इंद्राणी ने कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया से जुड़ा हुआ एक गोपनीय बयान दिया था। इसके बाद उसने केस में गवाह बनने के लिए याचिका दायर की थी। फिलहाल इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। ये मामला आईएनएक्स मीडिया को 2007 में मिले पैसों के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी मिलने से जुड़ा हुआ है। करीब 305 करोड़ रुपए के इस हाई प्रोफाइल घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम और उनके सांसद बेटे कार्ति चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। Case have already been recorded, whatever this these allegations are there, and Indrani today is turned as a witness, and she is no more an accused in this matter. She has become a prosecution witness of CBI, and since she knows all the facts and circumstances of the case, and CBI also inclined to make her a witness, and the court has approved the same. बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू भोगा सोलंकी को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने दीनू सोलंकी के अलावा 6 अन्य लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमित जेठवा गिर वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग के खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे, उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित जेठवा हत्याकांड में बीजेपी के पूर्व सांसद दीनू बोगा सोलंकी समेत सभी 7 दोषियों को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही दीनू बोगा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
इससे पहले अहमदाबाद के सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद सोलंकी सहित सभी सात आरोपितों को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना था। 20 जुलाई 2010 को गुजरात हाई कोर्ट के सामने अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपी पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद जेठवा के पिता ने हाई कोर्ट में अपील की थी। फिर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई जांच में सोलंकी समेत सभी सात आरोपी दोषी पाए गए। दीनू बोघा सोलंकी 2009 से 2014 तक जूनागढ़ से बीजेपी के सांसद रहे हैं। गौरतलब है कि अमित जेठवा गिरवन क्षेत्र में अवैध माइनिंग के खिलाफ आरटीआई लगा रहे थे, उस दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायक भगवान बारड को बड़ी राहत प्रदान की। कोर्ट ने अवैध खनन मामले में सुनवाई गई सजा तब तक के लिए निलंबित कर दी जब तक सत्र न्यायालय में उसका निपटारा नहीं हो जाता। तलाला से विधायक चुने गए बारड ने गिर सोमनाथ जिले की वेरावल सत्र न्यायालय की ओर से सजा पर रोक लगाने से इनकार किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सत्र न्यायालय में मामले के निपटारे तक निलंबित कर दिया। 24 साल पुराने अवैध खनन मामले में गिर सोमनाथ जिले की सूत्रपाड़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बारड को 2 साल 9 महीने की सजा सुनाई थी। बारड की ओर से मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी जाने के बाद इस मामले में कई मोड़ आए। सत्र न्यायालय ने पहले बारड की सजा पर रोक लगा दी थी। सरकार ने जब आदेश को चुनौती दी तो मामला वापस सत्र न्यायालय में पहुंच गया। सत्र न्यायालय में नए सिरे से मामले की सुनवाई करते हुए सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। विदेशी फंडिंग के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। दोनों पर अपने एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करने को लेकर कानून के उल्लंघन का आरोप है। गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर की एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव पर एफसीआरए कानून यानी विदेशी चंदा विनियमन कानून के उल्लंघन का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस सिलसिले में लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर चुकी है। एजेंसी ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर पर विदेशी चंदे को भारत से बाहर भेजकर उसके दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक इंदिरा जयसिंह जब 2009 से 2014 के बीच ऑडिशनल सॉलिसिटर जनरल थी तो उस दौरान उनके एनजीओ ने विदेशी चंदे से जुड़े कानून का उल्लंघन किया। सीबीआई के मुताबिक उस वक्त इंदिरा जयसिंह के विदेशी दौरों पर खर्च को एनजीओ के खर्च के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए गृह मंत्रालय से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी। आरोपों के मुताबिक 2006-07 से 2014-15 के बीच लॉयर्स कलेक्टिव को 32.39 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जिसमें एफसीआरए एक्ट का उल्लंघन किया गया था। हालांकि एनजीओ खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर चुका है। लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा एफसीआरए एक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में लॉयर्स वाइस नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। याचिका में एनजीओ पर विदेशी चंदे का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मई में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ को नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करेंगे आज के केस ऑफ द डे की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर मध्यस्थता से कोई हल नहीं निकलता तो 25 जुलाई से रोजाना मामले की सुनवाई हो सकती है। अयोध्या जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट 18 जुलाई तक पेश की जाए। अयोध्या विवाद में पक्षकार गोपाल सिंह विशारद की जल्द विचार वाली याचिका को निर्मोही अखाड़े का भी समर्थन मिला है। निर्मोही अखाड़ा ने भी कहा है कि मध्यस्थता प्रक्रिया सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि अभी तक अखाड़े ने मध्यस्थता का समर्थन किया था। मामले पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यस्थता पैनल के प्रमुख जस्टिस कलीफुल्ला से 18 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया को खत्म करने वाली मांग को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद ही हर दिन सुनवाई पर फैसला होगा
और वो 25 जुलाई को इस मामले की रोजाना सुनवाई पर विचार करेगा। On 18th of July, there will be another date of hearing before this Honorable Court. The Honorable Court will look into that mediation panel report. And if the court found that there is nothing, no fruitful development in this matter so far, then that panel will be scrapped. याचिकाकर्ता ने मंगलवार को कहा था कि पहले दौर की मध्यस्थता में कोई खास प्रगति नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखी गई थी कि मध्यस्थता पैनल से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले। अगर कोई समझौता हो भी जाता है तो उसे कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। ऐसे में कोर्ट को जल्द सुनवाई की तारीख तय करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि ये मध्यस्थता प्रक्रिया की आलोचना करने का वक्त नहीं है। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पैनल बनाया है। कोर्ट 15 अगस्त तक इसकी विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार करेगा। That is his point of view because he represents the Muslim side in the matter and the Muslim side from the day one of this proceeding right from the district court. They are non-cooperative and they want to prolong this matter. That is how this matter has prolonged for 70 years. सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े से जुड़े याचिकाकर्ता ने अदालत से एक गुहार लगाई कि अयोध्या विवाद जब शुरू हुआ था तब वो जवान थे लेकिन अब उनकी उम्र 80 के पार हो गई है, इसलिए अब अदालत को इस पर फैसला जल्द सुना देना चाहिए। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि मध्यस्थता पैनल सिर्फ 1-to-1 मीटिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे में हम नतीजे की तरफ कैसे बढ़ते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 मार्च को इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए मध्यस्थता समिति बनाई थी। समिति में पूर्व जस्टिस FM कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, सीनियर वकील श्री राम पंचू शामिल है। मई में जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नजीर की बेंच ने मध्यस्थता समिति को इस मामले को सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विवादित 2.77 एकड़ का क्षेत्र तीनों पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। पेड़ों पर बिजली के तारों विज्ञापन बोर्ड लगाने के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आयुक्तों को पेड़ों पर लगे बिजली के तारों और विज्ञापन बोर्डों को हटवाने के लिए आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने दोनों आयुक्तों को 2 महीने के भीतर प्रदेश के पेड़ों से विज्ञापन बोर्ड और बिजली के तारों को हटवाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम और उत्तराखंड सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज करवाने को कहा। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो किसी भी स्थिति में पेड़ों में बिजली के तार और विज्ञापन न लगने दें। न्यायालय ने कहा कि इसकी वो खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को कहा कि वो सभी विज्ञापन 2 माह के भीतर हटा लें। याचिका में कहा गया था कि राज्यभर के पेड़ों में विज्ञापन, बिजली के तार समेत कीले ठोक दी गई हैं और इससे पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की थी कि पेड़ों से बिजली के तार, विज्ञापन और कीलों को हटाया जाए। और कोर्ट रनऑफ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।